ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी नवंबर में भी थमती नहीं दिख रही है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल महंगा होने से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल रोजाना नए शिखर को छू रहा है। इस माह के पहले दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में 35-35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, इसी के साथ मध्य प्रदेश में पेट्रोल का दाम 121 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, तो वहीं दिल्ली में पेट्रोल 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। डीजल की बात करें तो 98 रुपए 42 पैसे लीटर बिक रहा है। आपको बता दें, इधर जयपुर में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। यहां ईंधन के दामों में 41-41 पैसे की बढ़ोतरी होने के साथ पेट्रोल 117 रुपए 8 पैसे पर पहुंच चुका है और अगर हम डीजल की बात करें तो 108 रुपए 39 पैसे पर पहुंच चुका है। साथ ही प्रीमियम पेट्रोल के दामों में भी 40 पैसे का इजाफा हुआ है और प्रीमियम पेट्रोल 120 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 41-41 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, प्रदेश में महंगाई की मार लगातार बढ़ती ही जा रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए, प्रदेश में महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 41-41 पैसे का इजाफा हुआ है। जी बीके, देखिए, प्रदेश में महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज फिर से 41-41 पैसे का इजाफा हुआ है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आपको बता दें, 41-41 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसी खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए, प्रदेश में लगातार महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 41-41 पैसे का इजाफा हुआ है। जी हाँ आयुषी, ये पेट्रोल डीजल की कीमतें, सबसे बड़ी बात तो टाइमिंग की है। अभी ये कोरोना काल खत्म हुआ है एक तरह से, अभी कम से कम हमारे प्रदेश में और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में, लेकिन यहाँ अभी दिवाली आई है और पिछली दिवाली भी कोरोना के कारण काफी व्यापार नहीं हो पाया। इस बार कुछ व्यापार हुआ है, कुछ दिवाली पर कोई सकारात्मक माहौल बना है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। 40-40 हजार रुपए, 40-41 पैसे, 37 पैसे, 38 पैसे, ये जो है ये काफी बड़ा भार है और इससे पूरा माहौल ऐसे नकारात्मक हो जाता है बाजार का, और बाजार में इस समय जो सेल है वो उसके ऊपर असर पड़ता है, लोगों को साथ के ऊपर असर पड़ता है, व्यापार के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन इस समय शायद ये विचार करना चाहिए सरकार को कि कम से कम जिस तरह अगर आप चुनावों में कीमतें नहीं बढ़ाते, चुनावों में अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाते हैं तो तब भी कोई ना कोई आपके प्रयास होते हैं, आपके हाथ में अधिकार होता है। तो इसी तरह से कम त्योहारी ये सीजन है, साल भर का सबसे बड़ा त्योहार है भारतीय संस्कृति का, और इसमें ये कीमतें को लगाम लगाना चाहिए ताकि थोड़ा सा उत्साह रहे बाजार में। लेकिन अभी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इससे उपभोक्ता व्यापारी सभी लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, और इनकी अभी फिलहाल कोई सुनने वाला नहीं है। जी बीके, देखिए, प्रदेश में महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है और आज प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। आज जन जागरूकता अभियान निकाला जाएगा। आयुष जी, ये सब राजनीति की बातें हैं, इनमें एक दूसरे केंद्र भी कहती है राज्य सरकारों से कि आप वैट कम कीजिए, आपने कीमतें बढ़ा रखी हैं, और अगर वैट कम करेंगे पेट्रोल और डीजल पर तो कीमतें कम होंगी। तो ये इस तरह की चीजें हैं जिसमें एक सरकार दूसरी सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप वाली बातें हैं,
बाकी प्रयास अगर गंभीरता से करना चाहे तो वो कोई नहीं करना चाहता। जी ये सीधा मामला है। सरकारें अगर इसमें गंभीरता से काम करें जी तो ये प्रयास काफी कारगर हो सकते हैं। या जीएसटी में लाया जाए पेट्रोल डीजल को, या इस तरह का कोई कोशिश की जाए, वेट कम किया जाए, लेकिन वो राहत देने की कोशिश है नहीं और गंभीरता किसी की नहीं है, केवल राजनीति के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आयुषी जी शुक्रिया बीके तमाम जानकारी साझा करने के लिए। त्योहारी सीजन नजदीक है और पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 41 पैसे का इजाफा हुआ है।